हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों, आज थोड़ा सा हमारे से गलत ट्रेडिंग हो गई है। हमने शॉर्ट सेलिंग कर दिया है दोनों शेयर्स को, JSW एंड जुबिलेंट को। हमें ऐसी उम्मीद है कि कुछ डाउनसाइड मूवमेंट देगा JSW थोड़ा सा एवरेज भी करेंगे हम। ओके गाइस, ये देखिए अभी एग्जैक्टली 1254 पे हमने शॉर्ट करा हुआ है इसको। तो यहाँ से हमें ऐसा लग रहा है कि 1245 तक जाने के चांसेस हैं अगर ब्रेक दे देता है तो। और JSW स्टील को देखिए, हमने 100 सेस और एवरेज करे हैं तो 297.65 रुपीज़ हमारा एवरेज प्राइस आ गया है। तो गाइस, हम वेट करेंगे आज। ओके गाइस, हमने काफ़ी इंतज़ार किया और देखिए करीब 1:51 हो रहे हैं और यहाँ से कुछ बेरिश ट्रेंड लग रहा है हमें, लेकिन अभी कह नहीं सकते, मार्केट अपसाइड ही है। तो थोड़ा सा इंतज़ार और हम करेंगे। आज थोड़ा सा गलत ट्रेडिंग लग गई सर। बार हैंग हो रहा है। सो वेलकम बैक दोस्तों। देखिए अभी 470 रुपीज़ का फाइनली लॉस चल रहा है हमें ओवरऑल, और आज थोड़ा सा हम वेट करते करते थक चुके हैं, क्योंकि आज हमारे अनुमान के मुताबिक शेयर की मूवमेंट नहीं हो पाई है। तो आज थोड़ा सा प्रिडिक्ट नहीं कर पाए हम सही तरीके से। यहाँ से देखिए, उम्मीद तो है कि थोड़ा सा डाउन साइड मोमेंट जा सकता है, लेकिन अभी हमें नुकसान बचाने की चिंता है कि हम उसे प्रॉफिट तो नहीं लाएंगे लेकिन नुकसान बचा लें, यही उम्मीद कर रहे हैं हम अपने आप से। चलिए वेट करते हैं। हालांकि दोस्तों, हमें यहाँ पे निकल जाना चाहिए, लेकिन हम वेट कर रहे हैं। और जो भी मेरे नए दोस्त वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें चैनल को। और ये देखिए दोस्तों, ये एक्चुअली साइडवेज चले जा रहा है बार बार JSW स्टील। इस शेयर के साथ यही दिक्कत हो रही है आजकल, मूवमेंट अच्छी नहीं आ पा रही है। और तो अभी देखिए काफ़ी इसको 297 को ब्रेक देगा तभी नीचे जा सकता है, अदरवाइज़ तो कोई चांस नहीं है। और मार्केट भी अपसाइड ही चल रहा है अभी। सो जो भी बिगनर्स मेरे वीडियो को देख रहे हैं फर्स्ट टाइम, बहुत जल्दी सब्सक्राइब करें सर आप लोग। और अगर अकाउंट ओपन करना चाहते हैं 5 पैसा में, आप लोग कहीं मत जाइए सर, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और ऊपर जो लिंक है उसमें क्लिक करिए, रजिस्टर्ड करिए और ट्रेडिंग स्टार्ट करिए सर। प्रैक्टिस करिए, है ना, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करिए तभी कुछ हो सकता है। देखिए हम वेट करें हैं, थोड़ा सा डाउन साइड ऐसा लग रहा है यहाँ से आ सकता है। ये देखिए 1254 पे हमारा सेल साइड है, शॉर्ट सेलिंग करिए 1254 पे। करीब करीब हम ऐसा लग रहा है इस बार डाउन साइड जाएगा हमारे। काफ़ी वेट किया सर हमने, हमने इसे लेके छोड़ दिया था एक्चुअली स्टॉप लॉस डाल के। अपसाइड भी नहीं गया है और डाउन साइड भी नहीं जा पा रहा है। और यहाँ देखिए 1245 के आसपास जाने के चांसेस लग रहे हैं हमें यहाँ से, अगर ब्रेक दे देता है तो। तो सर आप लोग जो है प्रैक्टिस करिए। और सर जी देखिए, प्राइस एक्शन के हिसाब से स्ट्रेटजी रहती है मेरी, प्राइस मूवमेंट के हिसाब से ट्रेडिंग करता हूँ। कभी कभी गलत भी हो जाता हूँ सर, ऐसा नहीं है कि
हर समय मुझे प्रॉफिट ही मिलता है। देखिए आज कुछ लॉस भी चल रहा था शुरू में, तो 700-800 हज़ार के आसपास लॉस था, फिर हमने रिकवर कराया उसे काफ़ी। अभी भी वेट कर रहे हैं हम। देखिए JSW स्टील को देखें, ये बढ़ता ही जा रहा है, इसमें डाउनसाइड मूवमेंट नहीं है सर, 96 पॉइंट अपसाइड ही है मार्केट। यही एक समस्या है आज के मार्केट में सर, अपसाइड है लेकिन शेयर बहुत अच्छे अपसाइड नहीं जा पाए हैं। तो गाइस आप भी देखें ऐसे कंडीशन में स्टॉप लॉस लगाए रखें आप, है ना। देखिए थोड़ा सा लॉस हमारा कम हुआ है सर, टोटल ओवरऑल 400 के आसपास लॉस है हमारा। ये शुरू में 1000-1200 भी पहुंच गया था, हमने वेट किया, हम जानते थे थोड़ा तो डाउनसाइड देगा मोमेंट। जुब्बल फूड बहुत अच्छा शेयर है सर, लेकिन आज मूवमेंट गड़बड़ हो रही है इसकी। तो दोस्तों एक बार चार्ट देखते हैं हम। ओ दोस्तों कुछ डाउन साइड मूवमेंट आ रही है, यहाँ से सर नीचे जा सकता है। ये देखिए हमारा इंतज़ार करना सफल हो जाएगा, अगर डाउन साइड गया तो हमारा लॉस कम हो जाए, और क्या है मार्केट से नहीं तो लॉस लेके निकलेंगे। गाइस ये देखिए अभी 150 का लॉस है, मैं प्रॉफिट बोल रहा था, मैं प्रॉफिट की आदत हो गई ना सर, रेगुलर होता है लगभग, लेकिन कभी कभी लॉस भी खा जाते हैं हम, लेकिन लॉस को हम बचाना जानते हैं सर। देखिए लॉस बचाना भी प्रॉफिट ही होता है, आपका 1000 रुपये जाता है उससे अच्छा आपने 1000 बचा लिया। लॉस बचाना सीखिए सर, पेशेंस रखिए पेशेंस। ये देखिए 1255 1 रुपये अपसाइड है, यहाँ से डाउन साइड जाएगा 80 रुपये अपसाइड है। चलिए काफ़ी लॉस बच गया सर, 1000 रुपये का लॉस दे रहा था ये शेयर हमें, देखिए 80 रुपये का लॉस है सिर्फ। तो आइए हम कुछ, ओहो वाओ 176 रुपये का बेनिफिट इतने समय बाद दिखा है। देखिए तो चलिए आइए कुछ हम देखिए जो स्टॉप लॉस डाले थे उसको मॉडिफाइड करते हैं सर। हम 1264 का स्टॉप लॉस दिया था अगर अपसाइड जाता, और तो ये देखिए 1252 पे हम जो है स्टॉप लॉस डाल दें। ये देखिए और डाउनसाइड गया, हम स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे, यहाँ से लग रहा है सर डाउन जाएगा और अब भी जा सकता है, कोई भरोसा नहीं मार्केट का। चलिए 1256 पे हमने स्टॉप लॉस क्रिएट कर दिया है, बाय द वे ऊपर गया तो थोड़ा शॉर्ट ट्रेल करने की आवश्यकता पड़ी। देखिए सर ये देखिए 400 रुपीज़ का बेनिफिट दोस्तों, अपना जो है घाटे को मुनाफे में बदलना सीखिए सर। ये देखिए सर 1249, हम जानते थे कंडीशन आएगी सर, 1245 तक आपको बोला भी था कि आएगा देखिए, लेकिन एक थोड़ा सा मार्केट अपसाइड था ना सर, इसलिए प्रॉब्लम हो रही थी। तो चलिए हम थोड़ा सा स्टॉप लॉस और ट्रेल करें हम अपना दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए जो मैं कर रहा हूँ स्टॉप लॉस को नीचे कर रहा हूँ 1248 पे, देखते हैं हम एक काम करते हैं ना 50 पे देते हैं क्या, चलिए 50 पे लगा देते हैं, आएगा तो ठीक है, डाउन गया तो ठीक है, नहीं तो ओवरऑल 1250 पे हम आउट हो जाएंगे मार्केट से। तो लॉस तो बचा सर हमारा, 4 पॉइंट का मूवमेंट हमें मिल जाएगा। ये देखिए 1250 पे स्टॉप लॉस दिया हुआ है सर, आई पोजीशन देखिए, ओहो हिट भी हो गया। ये देखिए 320 रुपीज़ का जुबली फूड पे हमें जो है 1250 पे एग्जीक्यूट हो चुका है। और दोस्तों ये थोड़ा सा देखें हम कहाँ तक जा रहा है, बहुत एक्साइटेड है हम इस शेयर के लिए। ये देखिए 1245 तक तो नहीं जा पा रहा है, बट हमारा स्टॉप लॉस हिट करके वहीं पर डांस कर रहा है ये सर। चलिए दोस्तों लॉस बचाना भी प्रॉफिट ही कहलाता है, देखिए आज हमारा लॉस बच गया। अब JSW की बात है, 50 रुपये का घाटा है, खैर इसे तो हम मेंटेन कर लेंगे, या इसे हम ब्रोकर के हिसाब से थोड़ा सा स्टॉप लॉस टाइट रख दें सर, इसमें सोच रहे हैं, और स्टॉप लॉस टाइट रखने के बाद जो है ब्रोकर के भरोसे छोड़ देते हैं, इसे काटते रहेगा वो 298
के नीचे जाए तो थोड़ा सा हटा दें क्या कुछ शेयर, 297.5 जो भी जैसे जाएगा हम इसको वो कर देंगे सर, हटा देंगे शेयर को, है ना। ये टुकड़े टुकड़े में एग्जीक्यूट हुआ है तो ये देखिए 60 क्वांटिटी हो पाएगी इसमें। हमें उम्मीद है कि सर ये 294 या 6 तक भी जा सकता है, तो हम वेट करेंगे। और दोस्तों मेरे दोस्त बिगनर्स जो हैं खास कुछ सीखें सर आप लोग, है ना, मेरे वीडियो सर अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करा करें सर। लाइक करने से क्या है मेरा मनोबल बढ़ता है, तो मैं आप लोगों के लिए और वीडियो डालूं मुझे ऐसी उम्मीद लगती है, नहीं तो फिर ऐसा लगता है कि भाई आप लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कुछ कमेंट भी नहीं करते हैं। कुछ मेरे दोस्त जो हैं, एक पिंटू भाई हैं बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, और भी हैं सर कई मेरे दोस्त, मेरे सब्सक्राइबर काफ़ी दूर दूर के होते जा रहे हैं सर। बड़ी खुशी लगती है आप लोगों के साथ, अच्छा सपोर्ट मिल रहा है मुझे। तमिलनाडु के भी हैं, आंध्र प्रदेश के भी कुछ जुड़ गए हैं बहुत अच्छे अच्छे सब्सक्राइबर मेरे। चलिए आप लोग देखते रहिए सर, दोस्तों देखिए और सीखिए, सीखना इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये देखिए हम सोच रहे हैं सर इसे छोड़ ही दिया जाए, ये ऐसा लग रहा है 315 के बाद ये डाउन साइड जा सकते हैं। तो मेरे दोस्त जो भी हैं तमिलनाडु आंध्र प्रदेश, वो देखें और सीखें, उनको हो सकता है लैंग्वेज प्रॉब्लम हो रही हो। मुझे इसमें थोड़ा स्टॉप लॉस हम ट्रेल कर रहे हैं दोस्तों, फिर बातें करते हैं। चलिए टाइट स्टॉप लॉस रख दिया हम, क्योंकि हम ब्रोकर के बदौलत छोड़ने वाले हैं इसे, वही बेचेगा अब इसे 315 के बाद हम इसे सेल आउट नहीं कर सकते दोस्तों। और जो भी मेरे साउथ तरफ के हैं सब्सक्राइबर्स सर, उन्हें लैंग्वेज प्रॉब्लम जा रही हो तो मुझे बताएं थोड़ा सा, मैं कोशिश करूँगा कुछ उनको दूसरे तरीके समझाने की। और अगर हिंदी में प्रॉब्लम नहीं है उनको, हिंदी समझ सकते हैं आसानी से, तो भी बताएं। और एक मेरे बॉम्बे के मेहता साहब भी हैं कोई सब्सक्राइबर, उनके भी कॉल आए थे एक आध दिन, वो भी ट्रेडिंग स्टार्ट किए हैं रिसेंटली, 6-8 महीने हो रहा है उनको, बता रहे थे ऐसा, तो बोले सर लॉस हो गया है। तो सर आप भी देखें वीडियो, आप लॉस को कैसे प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप लॉस को कम करा जा सकता है सर। उसके लिए यही उपचार है कि आप पेशेंस रखिए सर। आपको 1000 का लॉस हो रहा है तो ऐसा नहीं कि आप एकदम मार्केट पे निकल जाएं, थोड़ा स्टॉप लॉस आप ऐसा दें कि एक लिमिट बांध लें अपनी, कि मैं 3000 का या 4000 का, 3000 का लॉस या 2000 का लॉस एक दिन में उठा सकता हूं ऐसे रेयर केसेस में। तो मेहता साहब वेट करा करें, पेशेंस रखें सर, है ना, पेशेंस से ही मार्केट पे कुछ हो सकता है। सो गाइस देखिए अभी ब्रोकर ने हमारे इसको सेल आउट नहीं किया है, हमने ये देखिए डाउन जाने की कोशिश में है सर, हमें पता है झटका मार सकता है नीचे, लेकिन ब्रोकर बेच ना दिया हो सर, यही लगता है हमें, क्योंकि 315 के बाद तो कभी भी अभी तक बेचा तो नहीं लग रहा है। 10 रुपीज़ का प्रॉफिट, ये देखिए सर। तो सर लॉस को मेंटेन करें, यहाँ 1000 रुपये का लॉस होना था सर, हमें जहाँ 320 रुपये का, 340 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है, क्योंकि दोस्तों शेयर मार्केट आपको बहुत डराएगा, आपको डरना नहीं है सर, पेशेंस रखना है आपको, कोई डराए और उससे आप डर जाओ तो फिर कैसे आगे बढ़ोगे आप। दोस्तों अपने ऊपर विश्वास रखिए कि आज नहीं तो कल मुझे सफलता ज़रूर मिलेगी। देखिए ब्रोकर भी बेच नहीं पा रहा है सर, उससे बायर्स नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि हमने सेल करा हुआ है तो बायर्स इसे ही खरीदेंगे। तो ये जो स्टॉक है सर इंट्राडे का यहीं घूमता रहता है, देखिए आप, मैं बेचा आपने ख़रीदा, आपने बेचा मैं ख़रीदा, इसी में कंपनी जो है मुनाफा कमाती है दोस्तों। आप सोचते होंगे ना पैसा जा कहाँ रहा है, ये पैसा कहीं नहीं जा रहा है मेरे दोस्तों, ये पैसा जैसे मैंने इसको बेचा, बेच दिया क्या भाई, नहीं नहीं अभी 10 रुपये का लॉस हुआ है, काफ़ी वेट कर रहा है इसको, देखिए बायर्स नहीं मिल रहे हैं, तो मैंने इसे बेचा और किसी बायर्स इंतज़ार में खड़ा है, ख़रीद लिया, अब वो इंटरडे पे तो नहीं डिलीवरी पे ख़रीदेगा,
इंट्राडे में 3 बजे तक आप बाई सेल 3:15 बजे तक कर सकते हैं। तो यही होता है सर, आपका पैसा वहीं का वहीं घूमता रहता है और कंपनी यहाँ से मुनाफा लेके निकल जाती है। तो कंपनी को यही बेनिफिट होता है। मैं भी जब बिजनेस था तो यही सोचता था कि आखिर ये इंट्राडे पे कंपनी को फ़ायदा क्या होता है। तो सर वो कंपनी अपना पैसा निकाल के चले गई और फिर अपन आपस में बेचना खरीदना करते ही रहते हैं, डिलीवरी में लेंगे। ओके डियर, ये देखिए गैस 3:20 पे 50 रुपये घाटे के साथ हमारे ब्रोकर ने इसे बेच दिया। सो गैस फाइनली हमें जो है कुछ तो फ़ायदा ही लेके निकल रहा है मार्केट से। हम बहुत खुश भी हैं कि अपना लॉस बचा लिया हमने, नहीं तो आज शायद 1000 के आसपास लॉस भी हो जाता। आज हमारी स्ट्रेटेजी थोड़ा सा वीक रही। हर दिन मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ सर, कोई परफेक्ट नहीं है मार्केट में। तो आप लोग ऐसा मत सोचें कि मैं सिर्फ प्रॉफिट पे ही रहता हूँ। देखिए आज लॉस भी लिया है मैंने, तो फाइनली मैंने करीब करीब घाटा खाने से बच गया, तो अपने घाटे को कन्वर्ट किया हूँ प्रॉफिट में सर। दोस्तों ये देखिए JSW स्टील तो बेकार होते जा रहा सर शेयर। पहले रेगुलर इसे करता था, आप लोगों ने भी देखा कि इतनी अच्छी ट्रेडिंग होती थी इस पर। तो दोस्तों अपना विश्वास कायम रखिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए, दूसरों के ऊपर विश्वास मत रखिए, मेरे ऊपर विश्वास मत रखिए आप लोग। अरे भाई ये कॉल आ गया मेरी वाइफ का। ओके गैस ये देखिए 270 रुपये का बेनिफिट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ये मेरा अकाउंट